कैसे बना छोटा राजन इतना बड़ा नाम। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बड़े राजन की मौत के बाद छोटा राजन गैंग की कमान अपने हाथों में ले लेता है और खुद गैंग का लीडर बन जाता है। वो कुछ समय के लिए अरुण गावली और दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर पार्टनरशिप में काम करता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद एक ड्रग डील के चक्कर में दाऊद इब्राहिम के लोग अरुण गावली के बड़े भाई पापा गावली को मार देते हैं, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम और अरुण गावली की पार्टनरशिप में दरार आ जाती है। हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद छोटा राजन इंडिया छोड़कर दुबई भाग जाता है। कुछ सालों के बाद जब दाऊद इब्राहिम का नाम 1993 बॉम्बे ब्लास्ट में आता है तो छोटा राजन अपने आप को दाऊद से अलग कर लेता है। कुछ खबरों के मुताबिक माना जाता है कि छोटा राजन ने ही दाऊद इब्राहिम के टेररिस्ट कनेक्शन के बारे में रॉ को बताया था। दाऊद इब्राहिम की गैंग से अलग होने के बाद छोटा राजन ने अपनी खुद की गैंग बनाई, जिसके बाद छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम की गैंग्स के बीच आए दिन गैंग वॉर होते रहते थे। साल 1994 में छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम के दो सबसे खास आदमी फिल्लू खान और मंगेश मांगा पवार को बैंकॉक में टॉर्चर करके मार डाला था। फिल्लू और मांगा दोनों ही 1993 बॉम्बे ब्लास्ट में दाऊद के साथ शामिल थे। अपने आदमियों की मौत का बदला लेने के लिए साल 2000 में दाऊद राजन को ढूंढने लगता है। विनोद नाम के आदमी की मदद से दाऊद को पता चलता है कि छोटा राजन इस टाइम बैंकॉक में है, जिसके बाद दाऊद अपने आदमी छोटा शकील को छोटा राजन को मारने के लिए भेजता है। छोटा शकील पिज्जा डिलीवरी बनकर छोटा राजन के रूम में घुसता है। छोटा शकील रूम में घुसते ही छोटा राजन के बॉडीगार्ड को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर छोटा राजन वॉन हो जाता है। छोटा राजन अपनी जान बचाने के लिए फर्स्ट फ्लोर के रूम की विंडो से छलांग लगा देता है। छलांग लगाने की वजह से उसकी पीठ में चोट लग जाती है, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में ठीक होने के बाद छोटा राजन वहां से भाग जाता है ताकि वहां की पुलिस उसे पकड़ ना ले। छोटा राजन का बच जाना दाऊद के लिए काफी महंगा साबित होता है। दाऊद के इन 10 आदमियों का नाम 1993 बॉम्बे ब्लास्ट में शामिल था। 25 अक्टूबर 2015 को छोटा राजन जब ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया वापस आ रहा होता है तो बाली एयरपोर्ट पर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद इंडिया में इंटरपोल की मदद से छोटा राजन को इंडोनेशिया से इंडिया रिपोर्ट करवाया जाता है और आखिरकार 27 साल की भागम भाग के बाद छोटा राजन को 6 नवंबर 2015 को इंडिया लाया जाता है और उसे एक जर्नलिस्ट का मर्डर करने के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इस वक्त छोटा राजन तिहाड़ जेल में बंद है और उस पर 70 से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।